नमस्कार दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ छोटे छोटे से टिप्स बताने के लिए। और वो छोटे छोटे टिप्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको स्क्रब के बारे में। गर्मी का मौसम है, स्क्रब के बारे में बता रही हूँ कि आपका चेहरा जो है कोमल बना रहेगा। और देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब में हम बनाएंगे नींबू का स्क्रब। नींबू को लीजिए, आप आधा काट लीजिए और काट के आप खाली नींबू को ही चेहरे में घिस लीजिए। और घिसने के बाद उसको छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप अपने चेहरे को धो लीजिए और धोने के बाद उसके हल्के हाथ से पोंछ लीजिए उसमें उसको। और फिर एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए या तो फिर नारियल का तेल लगा लीजिए, जो कुछ भी उपलब्ध हो आप उसे लगा सकती हैं। और उसके बाद नींबू में दाग धब्बों को दूर करने के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, तो नींबू का प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ नहीं मिला तो नींबू जरूर आप प्रयोग करिए। इसके बाद फिर दूसरा प्रयोग नींबू का हम बता रहे हैं। दूसरा टिप्स है कि नींबू का रस निकालिए एक चम्मच या दो चम्मच, उसमें आप 2 से 3 बूंद 4 बूंद तक ले सकते हैं आप अंडे के सफ़ेद भाग को, उसमें ले लीजिए। केवल 4 बूंद लीजिए उसमें, 2 चम्मच में 4 बूंद लीजिए और 1 चम्मच में 2 बूंद लीजिए। उसको फेंट लीजिए अच्छे से और उसके बाद अपने चेहरे में हल्के से पूरे चेहरे में धीरे धीरे ऐसे लगा लीजिए। एक कॉटन लीजिए, कॉटन से आप अपने चेहरे में या ब्रश से अपने चेहरे में लगा लीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद उसको आप चेहरे को धो लीजिए और हल्के से रब करते हुए ऐसे ऐसे पोंछ लीजिए चेहरे को। और उसके बाद आप उसमें एलोवेरा क्रीम लगा लीजिए, आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा और बहुत ज़्यादा मुलायम रहेगा, मतलब आप चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहेगा। तीसरा चीज़ है, तीसरी टिप्स मेरी ये है कि आप नींबू, चूँकि हम स्क्रब बता रहे हैं, नींबू का रस निकालिए 1 चम्मच और 1 चम्मच इसमें आप शुगर मिलाइए, शक्कर, और उसको थोड़ा सा घोल लीजिए। थोड़े से घोलिए, खूब ज़्यादा नहीं। और उसके उसके रस को आप, उस पेस्ट को आप चेहरे पे धीरे धीरे ऐसे ऐसे मलिए, रगड़िए ऐसे ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा सा, ताकि वो स्क्रब हो जाए। तो उसके बाद आप उसको 15 से 20 मिनट आप उसको चेहरे में लगे रहने दीजिए। फिर आप उसको चेहरे को धो लीजिए और धोने के बाद आप अपने चेहरे में जैतून का तेल या बादाम का तेल चेहरे को पोंछ लीजिए। और उसके बाद बादाम का तेल या जैतून का तेल या फिर एलोवेरा क्रीम लगा लीजिए, आपका चेहरा चमकने लगेगा और आपके चेहरे से दाग धब्बे एक्ने आपके चेहरे में कुछ भी नजर नहीं आएगा। ऐसा आप यदि 15 से 20 दिन करती हैं इसका प्रयोग करके देखिए। फिर आप इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा ये क्रीम, ये स्क्रब। और फिर मैं आपको आगे और भी स्क्रब के बारे में बताऊंगी और भी छोटी छोटी सी जानकारियां दूंगी। ले आप अपने अनुभव को जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करिए ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको जो बता रही हूँ ये कारगर हो रहा है या नहीं। मैं अंडा चूंकि नहीं खाती, तो मैं फेस में नहीं लगाती अंडा, अंडे भर को नहीं लगाई हूँ, इसका प्रयोग मैं करके नहीं देखी। लेकिन दूसरे को करके देखे हैं, वो मुझे बताए कि इसका बहुत अच्छा मतलब वो है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और सारा नेचुरल चीज़ है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को ध्यान जरूर देंगी और ज़रूर इसका अंशतः पालन करेंगी और आप अपने कमेंट्स को मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर शेयर करेंगी। चलिए अब हम मिलेंगे अगले टिप्स में। थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते हैं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अनुभव को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।